हाँ तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं अच्छा हो। तो पबजी न्यू स्टेट की वीडियो के साथ आ गए हम लोग वापस। भाई बात करते हैं इस वाली वीडियो की। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, हम लोग स्वेंटन के अंदर लैंड हुए थे और यहाँ अपने साथ कुछ बंदे आ जाते हैं। प्लस इस वाले गेम प्ले को आप लोग एंड तक ज़रूर से देखना, बिकॉज ये वाला गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहने वाला है शुरुआत से आखिरी तक। बट उससे पहले ये वाला किल देखो। तो यार यहाँ पर मैं एक DBS लेके इस वाले बंदे पे रश कर देता हूँ और इसको सक्सेसफुली हम लोग किल भी कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इसके और भी टीममेट्स थे, तो भाई देखो अभी उनको कैसे मारेंगे। अब यहाँ पर यार ये जो सामने बंदा है जो यूजी चला रहा है, इसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत सीन होता है, वो तो आपको भी देखने को मिल जाएगा। और आप लोग बताना आपने कभी इस तरह की थर्ड पार्टी करी है या नहीं करी। तो यार यहाँ पे इस वाले भाई के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत सीन होता है, बिकॉज इसको मैंने पीछे से काफ़ी गंदा डैमेज दे दिया था, जिसके बाद ये एक बॉट के हाथों नॉक हो जाता है। प्लस इसका किल भी मेरे को मिल जाता, तो भाई ये इस वाले गेम प्ले का बेस्ट पार्ट था। प्लस यहाँ पर इस वाले बंदे ने एक नॉक और करके रखा था, जिसका किल हम लोग चोरी करने वाले हैं, तो भाई वो भी देखो आप लोग। यार यहाँ पर ये वाले बंदे ने इस वाले बंदे को नॉक करके रखा हुआ था, जिसका किल हम लोग काफ़ी आराम से चोरी कर लेते हैं। अब इसके बाद यार इसकी हम लोग लूट वगैरह ले लेते हैं। और सामने की तरफ कुछ बंदे थे, तो देखो इनको कैसे मारेंगे। अब यहाँ स्वेंटन में ये लास्ट बंदा बचा हुआ था जो अपने एक टीममेट को नॉक कर देता है, बट इसको हम लोग काफ़ी आराम से किल कर देते हैं। और इसी के साथ भाई पूरा स्वेंटन क्लियर हो जाता है यहाँ से और निकलते हैं हम लोग फिर आगे की तरफ। और आगे देखो क्या सीन होता है अपने साथ। अब यहाँ पर जस्ट हम लोग एंकर विलेज से जा रहे होते हैं, बिकॉज इसके पहले मैं एग्जिबिट हॉल को चेक करता हूँ, कहीं पे अपने को बंदे नहीं मिलते। तो यहाँ पे अपने पीछे से ये वाला बंदा आता है, जिसको कि एक प्यारा सा नॉक दे देते हैं। उतने में यार ये बग्गी वाला बंदा निकलता है, जिसके पीछे हम लोग तुरंत गाड़ी लगाते हैं। बट यहाँ पर यार मेरा टीममेट बोलता है कि यार जो भाई पीछे बंदा नॉक करके आया इसको किल कर लेते हैं, बिकॉज जो बगी वाला बंदा वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया था और हम लोगों को स्पॉटेड भी नहीं था। तो फाइनली हम लोग पीछे आते हैं और इस वाले बंदे को किल करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। और आगे का सीन आप लोग इन्जॉय करना। अब यहाँ पर जस्ट मैं उसको किल करके आगे आया था और यहाँ पे देखना अपने साथ कितना ही गलत सीन होता है। अब यार देखो कभी कभी अंधा पुश करना आपको भारी पड़ सकता है, जैसा कि मेरे को यहाँ पर पड़ गया, बिकॉज मैं अपने टीममेट के ही नेट से नॉक एंड फिनिश हो जाता हूँ। बट यहाँ पे अपने को एक इजी रिवाइव मिल जाता है, और इजी रिवाइव मिलने के बाद भाई यहाँ पे एक से एक क्लच मारने वाला है तुम्हारा भाई। तो देखो ये पहला क्लच। तो यार यहाँ से जस्ट मैं जा रहा होता हूँ, उतने में ये वाला बंदा दिखता है, जिसको मारने के लिए मैं रुकता हूँ। बट पता चलता है यहाँ पर दो बंदे, तो देखो इसको कैसे मारेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों बंदों को तो काफ़ी आराम से हम लोग नॉक फिनिश कर देते हैं, लेकिन इनका लास्ट बंदा बचा हुआ होता है अभी। तो भाई अभी वो वाला बंदा आगे की तरफ है, तो चलो चलकर उसको किल करते हैं। तो यार यहाँ पर देखो, जब तक मैं इस वाली स्क्वाड के साथ फाइट लेने में बिजी था, उतने में मेरे दो टीममेट नॉक एंड फिनिश हो जाते हैं, आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आगे जाते ही मेरा सामना एक स्क्वाड के साथ होने वाला है, जिसको तुम्हारा भाई 3 HP पे क्लच करने वाला। तो भाई वो वाला सीन आप लोग ज़रूर से देखना।
तो यार यहाँ पर ये वाला क्लच अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से इस वाली वीडियो को एक लाइक कर देना, बिकॉज 3 HP पे ये वाला क्लच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, बट किसी ना किसी तरह से ये हो जाता है। तो इसके लिए तो भाई ज़रूर से इस वाली वीडियो को एक लाइक कर देना। अब इसके बाद भाई देखो मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव करता हूँ यहाँ पे, और अभी सामने की तरफ कुछ बंदे और थे जिनको हम लोग किल करेंगे, और वो वाला सीन देखो। और उसके बाद जो अपने साथ होता है भाई वो काफ़ी ज़्यादा गलत होता है, वो तो आपको आगे पता चलेगा, बट उससे पहले ये वाला सीन देखो। तो यार यहाँ पे ये वाले दो बंदे थे जो होल्ड करके बैठे हुए थे, अब यहाँ पर ये पता नहीं क्या ही कर रहे थे, लेकिन इनको हम लोग काफ़ी आराम से किल कर देते हैं। बट यहाँ पे यार देखो मेरी एक गलती की वजह से ये पूरा गेम ख़राब होने वाला है मेरा। हालांकि इसमें हम लोग को कुछ चिकन डिनर तो हो जाता है, बट अभी आप लोग देख सकते हो 16 बंदे अलाइव हैं और 15 किल मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस वाले गेम प्ले में शायद हम लोगों के 20 या 22 किल हो सकते थे, बट यहाँ पे मेरे एक गलत डिसीज़न की वजह से अपना पूरा ये वाला गेम बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पर मेरा डिसीज़न ये था कि मैंने एक ग्रीन फ्लेयर ऑर्डर करी थी, उसको पिक करने के लिए मैं यहाँ पर वेट करता हूँ जोन के अंदर, और मेरे को भाई ये आइडिया नहीं था कि जोन इतना ज़्यादा काटने लगेगा। तो वो सीन आप लोग देखो और बताना आप लोगों ने आज तक न्यू स्टेट के अंदर कभी ऐसी गलती करी है या नहीं करी है। तो यहाँ पर भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटा सर्कल था और हम दो बंदे जो उनके बाहर ही नॉक हो जाते हैं, और इसके बाद भाई यहाँ पे अपना गेम फिनिश हो जाता है। बट इसके बाद भी एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है जहाँ पर मैं दोबारा से रीडिप्लॉय होता हूँ, बट यहाँ पे यार दोबारा से अपनी किस्मत ख़राब थी, बिकॉज हम लोग पहले तो जोन के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही मैं जोन के बाहर निकलता हूँ जोन स्टार्ट हो जाता है, तो इस जगह हम लोग रीडिप्लॉय होने के बाद भी फिनिश हो जाते हैं। बट आगे अपने टीममेट्स चिकन लेने वाले हैं, तो भाई वो वाला सीन आप लोग ज़रूर देखना, बिकॉज वो चिकन काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दो। मिलते हैं साथ कल किसी न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय। आई थिंक दैट गाय हियर है, चेक माय मार्क।